76th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा हुआ है हमारे देश में, निसंदेह आगे बढ़े हैं, लेकिन क्या हर चीज अच्छी हुई है हर समय? हर कोई क्या देश प्रेम से ओतप्रोत रह सकता है? ये विचार लेके एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ, कुछ शेर, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दिखाता है वतन भी नाज एक दिलदार के जैसे, नाज यानी नखरे परेशान करता है देश भी कभी अपने प्रियतम के जैसे। दिखाता है नाज वतन भी एक दिलदार के जैसे, सितम हम भी सहे महबूब एक खुददार के जैसे। जो महबूब होते हैं वो अपने चाहने वाले अगर कभी परेशान भी करते हैं, नाज नखरे भी करते हैं, तो वो अपने प्रेम में अडिग रहते हैं और सबसे बड़ी बात उनकी बुराई नहीं करते हैं, चुपचाप सहते रहते हैं, वही सच्चा प्रेम होता है। इसलिए कहा है मैंने कि दिखाता है नाज वतन भी एक दिलदार के जैसे, सितम हम भी सहें महबूब एक खुददार के जैसे। मुलायम फूल सा है इश्क वतन का दिल में, देखिए अमूमन देश प्रेम को फौलाद जैसा मजबूत और सतत कांस्टेंट माना जाता है, लेकिन मेरा विचार है कि वो नाजुक भाव है, मुरझा भी सकता है। मुलायम फूल सा है इश्क वतन से दिल में, कि दुनियादारी से करना हिफाजत खार के जैसे। खार यानी कांटे, दुनियादारी कांटे, दुनियादारी बीच में आ जाती है। दुनियादारी एक चीज़ है, देश प्रेम एक चीज़ है, बातें हम बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन कई बार करप्शन टैक्स चोरी वो सब भी हमारे सामने आता है, तो हमारे मन को मजबूत और नुकीला हिफाजत के लिए रखना पड़ता है। मुलायम फूल सा है इश्क वतन का दिल में, कि दुनियादारी से करना हिफाजत खार के जैसे। और आगे कहना चाहता हूँ, कशिश से कोई खींचे सर जमी की ओर एक हमको, कशिश से कोई खींचे सर जमी की ओर एक हमको, गए परदेश होते हम भी वरना यार के जैसे। सबके यार दोस्त रिश्तेदार बाहर बसे हुए हैं, वो गलत भी नहीं है, हमारे सामने भी रास्ते खुले थे, आज भी जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ हैं, एक मिट्टी की कशिश कुछ बांधे हुए हैं हमको। इसके लिए शेर मैंने कहा है कि कशिश सी कोई खींचे सर जमी की ओर एक हमको, गए परदेश होते हम भी वरना यार के जैसे। लेकिन हर चीज अच्छी है ऐसा नहीं है, कुछ बातें मन को विचलित करती हैं, आहत करती हैं, उनको कहना भी जरूरी है, वो मैं अगले शेर में कहना चाहता हूँ। खिलाना था मजहब यहाँ गुले गुलजार के जैसे, गुले गुलजार वो बाग होता है जहाँ पे अलग अलग रंग के फूल साथ में रहते हैं और खिलते हैं पनपते हैं। खिलाना था यहाँ मजहब गुले गुलजार के जैसे, नजर मगर वो आता हर जगह दीवार के जैसे। ये मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में सांप्रदायिकता तनाव, हर चीज अच्छी है ऐसा नहीं है, कुछ बातें मन को विचलित करती हैं, आहत करती हैं, उनको कहना भी जरूरी है, वो मैं अगले शेर में कहना चाहता हूँ। खिलाना था मजहब यहाँ गुले गुलजार के जैसे, गुले गुलजार वो बाग होता है जहाँ पे अलग अलग रंग के फूल साथ में रहते हैं और खिलते हैं पनपते हैं। खिलाना था यहाँ मजहब गुले गुलजार के जैसे, नजर मगर वो आता हर जगह दीवार के जैसे। ये मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ समय में सांप्रदायिकता तनाव बढ़े हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है, मेरे मन की बात इसे कही है कि खिलाना था मजहब यहाँ गुले गुलजार के जैसे, नजर मगर वो आता हर जगह दीवार के जैसे। और देश आगे तो बढ़ रहा है लेकिन सबकी रफ्तार सबकी दिशा एक नहीं है, इनइक्वलिटी बढ़ती जा रही है, उसके बारे में आखिरी शेर क्या कि अपनी जगह ग्रहण करना चाहूंगा। सिमत कहते हैं दिशा को, अलग सिमत हो सबकी तो बढ़े आगे वतन कैसे, अलग सिमत हो सबकी तो बढ़े आगे वतन कैसे, चलो दे साथ एक बार साझेदार के जैसे। सब पार्टनर के जैसे सब एक साथ आगे बढ़ेंगे तो ही वतन आगे बढ़ेगा। अलग सिमत हो सबकी तो बढ़े आगे वतन कैसे, चलो दे सब साथ एक बार साझेदार के जैसे। दिखाता है वतन भी नाज एक दिलदार के जैसे, सितम हम भी सहें महबूब एक खुददार के जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।